छोटी छोटी अपने मन की भावना आपको बताता हूं। अगले कवि सम्मेलन के लिए न्योता देते हुए आओ प्यारे, दौड़ के आओ। जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, आओ प्यारो, दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। आओ प्यारो, दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। लंबी लंबी पींग भरोगे, बिल्कुल नहीं थकोगे तुम। ऐसा ऊंचा झूठा दूंगा, तारी तोड़ सकोगे तुम। मैं नर्मदे ले जाऊंगा, फिर धरती पर लाऊंगा, जिसको सुनकर खूब हंसोगे, ऐसा गाना गाऊंगा। आंसू के दलदल में दुनिया नाहक आग बबूला है, आओ प्यारे, दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। लोहे की हो रेशम की हो, मत घबराना सूती से, आस की डोरी थामे रहना प्यारे तुम मजबूती से। झूले की पटरी ऐसी है, जीवन पटरी पर आए, हवा चलेगी, केश उड़ेंगे, पलखा की मस्ती छाए। तुम्हें लगेगा आज वक्त का पूरा दाम वसूला है, आओ प्यारे, अज्ञान में है कि जहां पहुंचना चाह रहे हो झूले से पहुंचाऊंगा, जहां ना झूला जा पाएगा बादल से ले जाऊंगा। शुद्ध पवन के पहिए होंगे, किरणें जिनको खींचेंगी, मंजिल की क्यारी क्यारी को मुस्कानों से सींचेंगी। फूलों जैसा इसे बनाओ, अरे मुंह ऐसा क्यों फूला है, आओ प्यारे, दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। एक थोड़ी सी और सुन लीजिए। दरअसल क्या है कि ये वक्त वो है, अब आजकल तो नहीं रहेंगे यहाँ पे, लेकिन फिरोजशाह कोटला ग्राउंड है, किसी जमाने में जिस समय हम बोल रहे हैं मुर्गे बोलते होंगे, राम मूर्ति गोदेला है, मुर्गों के बोलने का समय है, हम बोल रहे हैं, लेकिन इस समय गुर्गे भी बहुत बोल रहे हैं। जहां जहां चुनाव आने वाले हैं वहां वहां गुर्गों की चली हुई। देखिए राजनीति में क्या, हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं, तो कोई सामान्यीकरण करना, सरलीकरण करना कि पूरी राजनीति के खराब है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इन्हीं में अच्छे हैं, इनमें थोड़े से और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं जब थोड़े से बुरे लोग मिल जाते हैं। तो अच्छा होना अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा होने के पीछे संदेहवाद पैदा होता है, इतना अच्छा क्यों होता है। तो हम संदेहवादी युग में आ गए हैं, हर चीज पर शक करते हैं। गुर्गादास कुछ उदास उदास, श्रीमान जी बोले कष्ट क्या है जाहिर हो, वे बोले आजकल उल्लू टेढ़ा चल रहा है, लेकिन तुम तो सीधा करने में माहिर हो, साफ साफ बताओ क्या चाहिए। वे बोले टिकट दिलवाइए, कहां का, दिल्ली का, मुंबई का, उज्जैन उन्नाव का, वे बोले नहीं चुनाव का। अरे यार अभी तो तुम्हें एक पार्टी ने निकाला है। अब किस, अब दिल में किस पार्टी का उजाला है। वे बोले पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है अंटी के पैसे और इलाके से। श्रीमान जी ने पूछा सो कैसे, वो सब छोड़िए, चुनाव के अलावा हमारे आगे कोई रास्ता नहीं है, अपनी राजनीति का नैतिकता से कोई वास्ता नहीं है, एक व्यवसाय जिसकी बेशुमार आए, जीतने वाले के औबार है तो हारने वाले के होते रहते हैं। मुद्दा कमल हल करे या साइकिल, लाइट लालटेन करे या लट्टू, घड़ी करे या झोपड़ी, हाथी करे या हाथ का पंजा, बस एक बात कर जा शिकंजा। श्रीमान जी बोले दुर्गादास तुम जिस दल में जाओगे उसका करोगे सत्यानाश, हमारी शुभकामना है कि माल खाते रहो हराम का, टिकट तो मिले पर स्वर्ग धाम का। अब स्वर्गधाम से किसकी याद आएगी, यमदूत यमराज को रिपोर्ट सुना रहा था, यमराज को बड़ा गुस्सा आ रहा था,
क्या बनता है? भूख से भला कोई कैसे मर सकता है? कहते हुए शर्म नहीं आती जरा? भूख से कोई कैसे मर? यमदूत भी आया, मौत आती पति मौत आधे पति, पड़ोसियों ने तो यही बताया, घर में नहीं थे अन्न के दाने, ये लगा घास की रोटी चबाने, महाजन को जरा भी दया नहीं आई, बिना पैसे अनाज की बोरी नहीं खोल पाई, इस प्रकार हे गैथर्ष, हे गैथाधीश, ये भूख से मर गया। बड़ी जल्दी राम के नाम को सत्य कर गया। सुनकर यमराज पल भर को हुए उतावले, बोले बावले, ये भूख से नहीं कुपोषण से मरा है, इंसान द्वारा इंसान के शोषण से मरा। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा परसों कि 42% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और अफ्रीका से ज्यादा है, और प्रधानमंत्री ने भी उस पर अपनी शर्मिंदगी जाहिर की। तो ये वो देश है जहां हम गलत होते हैं तो गलत स्वीकार करते हैं, लेकिन ये वही देश है जो सुधार करने में भी सबसे आगे रह सकता है। भाषा बदल गई है, स्थितियां बदल गई है। ये इस वितान से निकलकर जब बाहर जाएंगे तो आपको अपने टोपियां और अपने शॉल कम लगेंगे। तरह तरह की कविताओं में अलग अलग तरह के मौसम आपके सामने बरसा दिए हैं। यहाँ मंच के मेरे अंदर की कुदरत ने खजाने किस कदर खोले, अभी गर्मी अभी सर्दी अभी बारिश अभी ओले, आंसू भी बरसे हंसी भी आई। किताबों में खुद अपनी ही कहानी पढ़ के ए बंदे, किताबों का जिक्र कर रहे थे जा रहे, किताबों में खुद अपनी ही कहानी पढ़ के ए बंदे, कभी मुस्का कभी हो गमजदा, हंस ले कभी रो ले। और पहनकर बादलों के वस्त्र आया था जो कल मिलने, बरस कर हो गया नंगा, पहन ले कर नहीं जोड़ ले। और अगला ये शेर देखिएगा, इसे तवज्जो चाहूंगा कि खुली आंखों से सपने छल छला कर गिर नहीं जाए, खुली आंखों से सपने छल छला कर गिर नहीं जाए, तू सपनों की हिफाजत के लिए कुछ देर तो सो ले। दर्द सितम होगा कि तम होगा कि ये होगा कि वो होगा, डराता है हमें क्यों कर, जो होना है कभी ओले। और पहाड़ों तुम जरा इन बादलों पर भी नजर रखना, न कोई बेहया पागल प्रजाओं में जहर बोले। और न जाने कितनी बातें थी, न जाने कितने शिकवे थे, हुआ जब सामना उनसे, न वो बोले न बोले। दोस्तों, अंत में धन्यवाद से पूर्व आपको एक विधा नहीं हुई, यहाँ हरियाणा की लावणी भी हो गई, गद्य व्यंग भी हुआ, गायकी भी हुई, गजल भी हुई, गीत भी हुए, मुक्त छंद की कविता भी सुनाई गई, लेकिन शास्त्रीय संगीत नहीं हुआ। मैं शास्त्रीय संगीत की एक बंदिश आपको सुनाता हूँ। आदरणीय उदय प्रताप जी ने जिस ओर इशारा किया, एक बात कही थी जावेद साहब ने कि एक मेरा लफ्ज है वो आपको ढूंढते हुए आएगा, तो मिल जाना उसको। बड़ी अच्छी तरह से एक बात कही गई कि उनका एक लफ्ज आपको ढूंढते हुए आएगा और आप उसे मिल जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि मैं एक आपको लफ्ज दे रहा हूं, उसमें उसे ढूंढ लेना, क्योंकि कई बार श्रोता को भी श्रम करना पड़ता है। हम मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत और मेहनत उनकी प्रेमिका है तो हमारी भी तो है, क्योंकि मैं भी मानता हूं और ये जानता हूं कि भले 50 साल हो गए हो, जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, न रेशम सही तेरा रेशा रहेगा, जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, न रेशम सही तेरा रेशा रहेगा, अभी कर ले पूरे सभी काम अपने, तू क्या सोचता है हमेशा रहेगा, हमेशा कोई नहीं। तो उस लफ्ज को ढूंढिएगा। ये बड़े काले धन की चर्चा हो रही है, काला धन आता कहां से है, जाता कहां है,
बड़ी समस्या है। तो एक बंदिश मैंने शास्त्रीय राग की लिखी है और वो बंदिश है राग स्विस कल्याणी की एक बंदिश। इसमें एक लफ्ज है जिसको आप ढूंढते हुए आएंगे क्योंकि बाकी तो आप जानते ही। आयो कहां से धन श्याम, अब घनश्याम की जगह धनश्याम है, एक बार आप तालियां बजा दीजिए, सबको ढूंढ लिया हो श्याम धन को नहीं ढूंढ पाएंगे। आयो कहां से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहां से धन श्याम यार से या हथियार से आयो, ट्रक ट्रैफिक व्यापार से आयो, तस्करिया गलियार से आयो, पायो कहां से धन श्याम बतारी, आयो कहां से धन श्याम नेता से या बिन दर आयो, नेता से या अभिनेता से आयो। और हवाला की इससे बढ़िया परिभाषा नहीं सुनी गया। नेता से या अभिनेता से आयो, लेता से आयो कि देता से आयो, लोकतंत्र के प्रणेता से आयो, लायो कहां से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहां से धन श्याम, कोरट ने अरदास लगाई, सखी सरकार सखी से पूछ रही, कोरट ने अरदास लगाई, सीबीसी चुप आरबीआई, और बात पते की नहीं बताई, खायो कहां से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहां से धन श्याम, ना कोई कुर्की बंदिश ना कोई जुम्बिश, और चक्रधर स्विस कल्याणी की ये बंदिश, गायो कहां से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहां से धन श्याम। और अंत में है अंतर्यामी अन्याय गजब सा, अरे ढायो कहां से धन श्याम बतारी सखी, पायो कहां से धन श्याम, लायो कहां से धन श्याम, खायो कहां से धन श्याम, गायो कहां से धन श्याम, अंत में